नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. ठीक है, तो आयरन के दो और काफी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज द Fe2O3 हेमेटाइट एंड सेकंड वन इज द मैग्नेटाइट. हेमेटाइट में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है. मैग्नेटाइट में Fe जो तुम्हारे पास है Fe3O4, इट इज द मिक्स ऑक्साइड. ये मिक्स ऑक्साइड है Fe3O4, Fe2O एंड FeO एंड Fe2O3 का, जहाँ पे FeO का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और यहाँ पे इसका रेशियो जो है वो भी कितना है, 1:1 का रेशियो है. यहाँ पे जो रेशियो है वो है तुम्हारे पास कितना, 1:1 का रेशियो मैग्नेटाइट में. सबसे पहले क्या ऑक्साइड ओर है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रश करेंगे और शीव करेंगे. उसके बाद बताओ Fe का तुम्हारे पास कंपाउंड है, मेन ओर ये है Fe2O3. अगर हेमेटाइट है तो तुम्हारे पास एक चीज ये बताओ, यहाँ पर अपन क्या करेंगे कंसंट्रेशन के लिए, बोलो, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन. ओके सर, वी आर वेरी गुड. ओके तन्मय, गुड. ओके रिदेश, देखो ऑक्साइड ओर है, ठीक है. ओके मिताली, गुड. क्या है तुम्हारे पास ऑक्साइड ओर, सबसे पहले क्या कर सकते हो, क्या आदित्य शिवम, गुड. सबसे पहले क्या ऑक्साइड ओर है, तो तुम एक काम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो उसका ग्रेविटी सेपरेशन कर लो. तो ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हो ऑक्साइड ओर के लिए, और Fe का ओर है तो उसके बाद में तुम क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हो. तो कंसेंट्रेट बाय द ग्रेविटी सेपरेशन फॉलोड बाय द मैग्नेटिक सेपरेशन. सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं. उसके बाद अपन करते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. उसके बाद ऑक्साइड ओर है तो तुम्हें काम ये कर लो, इसका कैल्सिनेशन भी कर लो, रोस्टिंग भी कर लो इन द रिवर बैटरी फर्नेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं, सो दैट, रोस्टिंग की रीजंस बताता हूँ. रोस्टिंग अपन क्यों कर रहे हैं तुम्हारे पास, सॉरी, हाँ रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है तुम्हारे पास, कि जो भी तुम्हारे पास यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो जो भी तुम्हारे पास सल्फर है, सॉरी, जो भी तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, जो भी अपने पास क्या है ऑक्सीजन है, वो किस में कन्वर्ट हो, जो भी तुम्हारे पास सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो SO2 में कन्वर्ट हो जाए. जो भी आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो जाए, वो भी तुम्हारे पास As2O3 के वॉलेटाइल में कन्वर्ट हो जाए. और अगर सपोज कोई Fe अगर +2 में भी प्रजेंट है, लेट्स से, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाए, वो +3 में कन्वर्ट हो जाए. जनरली ऑक्साइड्स ओर का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैल्सिनेशन करना चाहिए, ठीक है. ऑक्साइड्स ओर के लिए क्या करते हैं, कैल्सिनेशन. सल्फाइड के लिए क्या करते हैं, रोस्टिंग. बट मैं यहाँ पर भी रोस्टिंग क्यों कर रहा हूँ, सो दैट जो भी उसकी ऑक्साइड वाली इम्प्योरिटीज हैं वो वॉलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म करके वो इवेपोरेट हो जाए. क्लियर. उसके बाद वी विल डू द स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग किस में करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में. जो भी स्मेल्टिंग वाला पार्ट होगा वो किस में करने वाले हैं अपन, ब्लास्ट फर्नेस में. तो अपन ब्लास्ट फर्नेस में ले रहे हैं, एक ओर लेंगे. ओर मतलब तुम Fe2O3 लोगे, Fe2O3 है, प्लस तुम कार्बन ले रहे हो, प्लस तुम लाइमस्टोन ले रहे हो CaCO3. लाइमस्टोन का सबको रीजन पता है, लाइमस्टोन क्यों ले रहे हैं अपन, लाइमस्टोन क्यों ले रहे हैं, लाइमस्टोन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये ब्रेक होके क्या देगा, ऑन हीटिंग ये देगा CO, और CO किसकी तरह एक्ट करेगा, CaO किसकी तरह एक्ट करेगा, बेसिक फ्लक्स की तरह. वेरी गुड. तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये है, दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस में जो ऊपर की तरफ है ना, ये इस तरीके से अरेंजमेंट है. देखो ये जो है ऐसा अरेंजमेंट है,
इस तरीके से जैसे तुम यहाँ पे और वो ऐड करोगे ना, तो एक साइड से फिक्स है एक साइड से वो मूवेबल है, तो जैसे ही और फिक्स करोगे तो ये टिल्टेड हो जाएगा, और फिर तुम्हारे पास यहाँ पर जो भी ओर है लाइमस्टोन और कार्बन जो है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आएगा। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या है, दिस इज द कप एंड कोन अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर का रेंज है, जैसे जैसे ब्रास फर्नेस में नीचे की तरफ जाओगे ना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एज यू गो डाउन टेम्परेचर जो तुम्हारे पास है वो क्या होगा, इंक्रीज। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट जोन है, तो सबसे नीचे वाला जो जोन होता है उसको बोलते हैं तुम्हारे पास दैट इज कॉल्ड द कम्बशन जोन, बीच वाला फिर उसके बाद फ्यूजन जोन, कम्बशन जोन, फिर यहाँ पर होता है फ्यूजन जोन, फिर तुम्हारे पास यहाँ पर है स्लैग फॉर्मेशन, और सबसे ऊपर वाला जो है वो है रिडक्शन जोन। तो चार जोन है, हर एक जोन में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होता है। सबसे पहले क्या हो रहा है, तुम सबसे पहले कम्बशन जोन की अगर अपन बात करें तो कम्बशन जोन में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास जो भी कार्बन तुमने ऊपर से ऐड किया है वो इस टेम्परेचर पे O2 के साथ रिएक्शन करके वो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। कम्बशन जोन में तुम्हारे पास क्या होगा, जो भी तुमने कार्बन ऐड किया है वो O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, वो CO2 गैस जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो CO2 गैस यहाँ पर बना ये ऊपर की तरफ गया, तो कम्बशन जोन में ये है। गैसेस है तो डेफिनेटली कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फर्स्ट थिंग। उसके बाद क्या होगा, जो भी तुम्हारे पास ये है फ्यूजन जोन, फ्यूजन जोन में जो भी तुम्हारे पास इम्प्योरिटीज है, अपने पास कौन कौन सी, जो भी अभी रोस्टिंग किया था ना, तो रोस्टिंग में क्या होगा, SiO2 होगा, P4O10 होगा, कुछ इम्प्योरिटीज जो उसके वॉलेटाइल ऑक्साइड्स थे, ठीक है, उन सबको कार्बन क्या करेगा इस टेम्परेचर पे, कार्बन फ्यूजन जोन में उन सबको कर देगा रिड्यूस। देखो फ्यूजन जोन में SiO2 था, MnO2 था, P4O10 था, जो कि वॉलेटाइल ऑक्साइड्स थे, तो अगर उस ऑक्साइड्स अगर कम्प्लीटली वॉलेटाइल नहीं है, अगर वो अभी भी प्रेजेंट है, तो कार्बन उन सबको इस टेम्परेचर पे क्या कर देता है, रिड्यूस। क्या फ्यूजन और कम्बशन जोन की रिएक्शंस क्लियर? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो तुम्हारे पास CO2 ऊपर गया है ना, जो CO2 ऊपर गया, ये CO2 क्या करता है, जो यहाँ पर एक स्लैग फॉर्मेशन है, स्लैग फॉर्मेशन में मतलब बीच वाले में सेकंड वाले पार्ट में जहाँ पे स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है उस वाले जोन में क्या करेगा, ये CO2 रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ, और CO2 कार्बन के साथ रिएक्शन करके इट विल फॉर्म 2 times ऑफ CO। CO2 कार्बन के साथ रिएक्शन करके इट विल फॉर्म 2 times ऑफ CO। ये मिलेगा। अब ये जो 2 times ऑफ CO मिला है, ये जो तुम्हारे पास 2 times ऑफ CO मिला है, ये क्या करेगा, ये फिर से एवोपरेट होगा और ये रिडक्शन जोन में जाएगा। और तुम मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं 500 केल्विन से ये 900 केल्विन की बात करूं, तो विच वन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन या CO2, सॉरी कार्बन या CO? तो CO। तो CO यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर मैं लॉजिकली देखूं तो सबसे पहले हो क्या रहा है, जो भी तुम्हारे पास फ्यूजन जोन था, फ्यूजन जोन में जो कार्बन है वो O2 के साथ हायर टेम्परेचर पे O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 ऑब्टेन कर रहा है, ये CO2 स्लैग फॉर्मेशन सेकेंड जोन में जाएगा, ये फर्दर कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO ऑब्टेन करेगा, वो CO जो है वो रिडक्शन जोन में जाके Fe को रिड्यूस करेगा। क्लियर ये वाला पार्ट सबको? तो इसमें हो क्या है, सबसे पहले देखो स्लैग फॉर्मेशन जिसका रेंज ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी इसकी रेंज भी पूछते हैं, तो स्लैग फॉर्मेशन का रेंज है ये 900 केल्विन से 1500 केल्विन, तो 1270 केल्विन पे CaCO2 जो तुमने ऐड किया था वो ब्रेक हो जाता है, एक तो CO+ CO2 में,
SiO2 जो है वो इनहेरेंटली सब में, सिलिका तो हर किसी में इम्प्योरिटी है ही, जो भी तुम्हारे पास CaO है वो SiO2 के साथ कंबाइन होके यहाँ से तुमको CaSiO3 का स्लैग फॉर्मेशन होगा। और स्लैग फॉर्मेशन में एक और रिएक्शन क्या हो रही है, जो भी CO2 है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके इट विल फॉर्म 2 times ऑफ CO। इट विल फॉर्म 2 times ऑफ CO। यहाँ से तुम्हारे पास CO क्या हो जाएगा, CO जो है वो एक मेन यूज्ड इन द रिडक्शन, जो दिस इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद रिडक्शन जोन का रेंज भी ध्यान रखना। रिडक्शन जोन का रेंज क्या है, 500 केल्विन से 800 केल्विन, और इस रेंज में कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो रिड्यूस जो भी कर रहा है ना वो कौन कर रहा है, CO। CO इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट हियर। तो Fe को Fe2O3 में जो Fe+3 में उसको रिड्यूस करके भेज देगा 0 में और +4 में। यहाँ पर Fe और भी किसी फॉर्म में भी प्रेजेंट है, पहले जो +3 वाला है ना वो कन्वर्ट होता है Fe3O4। Fe3O4 मतलब यहाँ पर Fe+2 में भी प्रेजेंट है और +3 में भी प्रेजेंट है। तो पहले वो कुछ पार्ट को क्या करता है, FeO में कन्वर्ट करता है, उसके बाद जो यहाँ पर +2 और +3 में प्रेजेंट है CO फर्दर उसको रिड्यूस करके +2 में भेज देता है। तो फाइनली तुमको FeO ऑब्टेंड होगा। FeO की फर्दर रिडक्शन से क्या मिलेगा मुझे, Fe। तो एग्जाम में ये दो स्टेप में रिएक्शंस भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली ये एक सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हो कि Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Fe बना रहा है, या फिर Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करके पहले बनाया गया Fe3O4 प्लस CO2, और उसके बाद Fe3O4 फर्दर रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, FeO, उसके बाद फर्दर रिडक्शन से क्या बनाएगा, Fe। तो Fe इज द फाइनल प्रोडक्ट है मेरे पास। यहाँ पर उसने स्टेप्स में रिएक्शन लिख के रखा है और यहाँ पर उसने इंडिविजुअल रिएक्शन लिख के रखा है। क्लियर? तो ये चार जोन का टेम्परेचर रेंज ध्यान रखना और रिएक्शंस क्या क्या होती है वो भी ध्यान में रखनी है। अब देखो इसमें एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर Fe जो भी तुम्हारे पास ऑब्टेंड हो रहा है वो क्या होगा, मोल्टन स्टेट में होगा और तुमको यहाँ मिल जाएगा सारा का सारा Fe। इस वाले रीजन में तुमको Fe ऑब्टेंड हो जाएगा सारा का सारा। अब इसमें एक चीज ध्यान में क्या रखनी है, इसमें बहुत सारी चीज ध्यान में रखनी है। एक तो जो फ्यूजन जोन में से जो सिलिका है, Mn है, ये देखो ये वाली सिलिका है, Mn है, फॉस्फोरस है, ये इम्प्योरिटीज इनहेरेंटली प्रेजेंट है किसके अंदर, Fe के अंदर। तो जो भी तुमको यहाँ से पिग आयरन मिल रहा है ना उसमें सारी की सारी इम्प्योरिटीज इनहेरेंटली प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पिग आयरन। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पिग आयरन। डन। और जो भी मोल्टन आयरन है इसके ऊपर, जो भी तुम्हारे पास मोल्टन आयरन है उसके ऊपर जो है, तो मोल्टन आयरन के ऊपर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है।
और मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बताया था कि जो भी स्लैग फॉर्मेशन होता है ये तुम्हारे पास लाइटर भी है एंड इसका लो बॉइलिंग पॉइंट भी है, सॉरी नो लो मेल्टिंग पॉइंट भी है, तो इसकी एक डिफरेंट सरफेस डिफरेंट लेयर बनती है। जो भी मोल्टन स्लैग है उसका क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक डिफरेंट लेयर फॉर्मेशन होता है मोल्टन आयर के ऊपर। तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एफई का फर्दर ऑक्सीडेशन। इट माइट बी पॉसिबल ना कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास एयर है, यहाँ पर जो एनवायरमेंटल में जो O2 है वो फर्दर एफई के साथ रिएक्शन करे, एफई रिएक्टिव मेटल है तो O2 के साथ फर्दर रिएक्शन करके फिर से FeO में कन्वर्ट हो सकता है। यस, तो जो भी तुम्हारे पास स्लैग फॉर्मेशन है जो कि वेस्ट है वो तुम्हारे पास क्या करेगा, उसके फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ये वाला चीज भी यहाँ लिखा है। पूरा ये वाला पार्ट क्लियर, ब्लास्ट फर्नेस में जो भी रिएक्शंस हो रही है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है इस वाले पार्ट में? ठीक है, तो अभी यहां से जो ब्लास्ट फर्नेस से जो अपने को आयरन ऑब्टेंड होता है उसको बोलते हैं, यहाँ से तुम बोल सकते हो स्पॉन्जी आयरन या फिर पिग आयरन। यहाँ से जो आयरन ऑब्टेंड होता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, दिस कॉल्ड स्पॉन्जी आयरन। या फिर तुम एक और नाम क्या दे सकते हो इसको, पिग आयरन। आयरन ऑब्टेंड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस है उसमें क्या बोले अपन, पिग आयरन है, उसमें 4% के आसपास इम्प्योरिटीज है किसकी, कार्बन की। उसमें 4% के आसपास इम्प्योरिटीज है किसकी, कार्बन की। उसको तुम फिर से रीमेल्ट करो, फिर से रीमेल्ट करके थोड़ा सा कूल डाउन करो तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास कास्ट आयरन तुमको ऑब्टेंड होगा। कास्ट आयरन में जो इम्प्योरिटीज है वो कितनी है, 3% की। और साथ ही साथ अभी इसके अंदर ये भी इम्प्योरिटीज है, स्पॉन्जी आयरन में भी ये इम्प्योरिटीज थी ना, Mn की, सिलिका की और फॉस्फोरस की। यस, जो पिग आयरन था उसमें भी ये इम्प्योरिटीज थी सारी की सारी। अब सबसे पहले पिग आयरन में 4% कार्बन की इम्प्योरिटीज है, कास्ट आयरन में 3% है, उसके बाद अपने को यहाँ से स्टील को ऑब्टेन करना है। इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ से स्टील को ऑब्टेन करेंगे किस तरीके से, वी विल सी। अब जब तुम जो भी तुम्हारे पास पिग आयरन है तो पिग आयरन को तुम कूल डाउन करते हो, पहले मेल्ट करोगे फिर कूल डाउन करोगे। अगर जो कूलिंग जो कर रहे हो अगर वो स्लोली कर रहे हो, अगर जो भी तुम्हारे पास कूलिंग है अगर स्लोली है, स्लो कूलिंग है, देन जो तुम्हारे पास, और यहाँ पे जो कार्बन होगा वो किस फॉर्म में होगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में। तो यहाँ से मुझे ग्रे कास्ट आयरन मिलेगा। और अगर तुम फास्ट कूलिंग कर रहे हो जिसको अपन बोलते हैं क्वेंचिंग, तो यहां से मुझे व्हाइट कास्ट आयरन मिलेगा। एक मुझे मिलेगा ग्रे कास्ट आयरन, एक मुझे मिलेगा व्हाइट कास्ट आयरन। फास्ट कूलिंग मतलब क्वेंचिंग, और एक ग्रे कास्ट आयरन। और हार्डनेस जो होता है वो व्हाइट कास्ट, वाटर बचे, वाटर क्विंचिंग जो भी तुम्हारे पास हो वाटर के अंदर ही हो रहा है, ऑयल में नहीं हो रहा। और हार्डनेस जो तुम्हारे पास होता है वो किसका ज्यादा है, व्हाइट कास्ट आयरन का हार्डनेस ज्यादा होता है। तो अगर तुमको हार्ड आयरन चाहिए तो उसके लिए तुम क्या कर लो, उसका फास्ट कूलिंग कर लो। ड्यू टू क्विंचिंग, यस बच्चे। अब अगर मेरे को कास्ट आयरन से स्टील में ऑप्टेन करना है तो स्टील में ऑप्टेन करने के लिए प्रोसेस क्या है,
मैं पहले बता चुका हूँ, एक तो है बेसमराइजेशन प्रोसेस। क्या लास्ट टाइम ये वाला प्रोसेस देखा है? तो मेरे को जो ब्लास्ट फर्नेस से मिलेगा वो है पिग आयरन। पिग आयरन को कन्वर्ट करूंगा कास्ट आयरन में। उसके बाद कास्ट आयरन को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है स्टील में, तो मैं उसका बेसमर प्रोसेस करूंगा। बेसमर प्रोसेस किसमें करते हैं? तुम्हारे पास एक लार्ज पियर शेप फर्नेस होता है, दैट इज कॉल्ड द बेसमर कन्वर्टर। उसमें अपन करते हैं बेसमराइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो भी तुम्हारे पास इम्प्योरिटीज थी, किस किस की, सिलिका की, फास्फोरस की, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी तुम्हारे पास सिलिका था, फास्फोरस था या फिर एमएन था, वो फर्दर ओटू के साथ रिएक्ट करके दे विल फॉर्म। SiO2, P4O10 एंड MnO2। क्लियर? तो या तो बेसिमर प्रोसेस कर सकते हो, या फिर तुम वही मोर और लेस ये वाला प्रोसेस भी कर सकते हो, BOP मेथड, बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस। मतलब ऑक्साइड, तुमको ऑक्सीजन पास करना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। ये प्रोसेस किस में कर रहे हैं? दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन स्टील वेसल इन द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। जो भी फ्लास्क होता है ना, जो भी तुम्हारा फ्लक्स ऐड करते हो ना, उसकी तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास फर्नेस है वहां पे तुम लाइनिंग करते हो उसका इनसाइड सरफेस पे। तो इसका मतलब O2 प्रोवाइड कर रहे हो, तो होगा क्या, F जो भी कार्बन है वो O2 के साथ रिएक्शन करके CO बनाएगा। यहाँ पर जो भी FeO है तुम्हारे पास, FeO जो तुम्हारे पास होगा वो सिलिका जो है, MN जो है, SiO, सिलिका और MN को क्या करेगा, वो खुद रिड्यूस होगा, इन सबको ऑक्सीडाइज करेगा, फिर यहाँ पे स्लैग फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे फिर से तुम जो CaCO ऐड कर रहे हो, ये CO कहाँ से मिल रहा है? ये मिल रहा है CaCO3 से। CaCO3 की हीटिंग से क्या मिलेगा? CO, वो क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन होकर थॉमस स्लैग बनाएगा। स्टील में क्या होता है, जो भी तुम्हारे पास आयरन जो यहाँ से ऑब्टेंड हुआ है, ये यहाँ से जो आयरन तुमको ऑब्टेंड हुआ है, ये वाला आयरन कार्बन के साथ कंबाइन होगी। यहाँ पे जो तुमको ये आयरन ऑब्टेंड हुआ है, दिस वन, ये आयरन जो है कार्बन के साथ, आयरन एंड कार्बन स्टील कंबाइंस टू फॉर्म द Fe3C, इसको बोलते हैं सीमेंटाइट। डन। फिर स्टील के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है, एक बार वो भी तुम गो थ्रू कर सकते हो कि स्टील को अगर अपने को सॉफ्ट चाहिए, हार्ड चाहिए, ज्यादा ब्रिटिल चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस हैं, वो तुम गो थ्रू कर सकते हो। वो उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो पहले पिग आयरन था, पिग आयरन से कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से बेसेमर कन्वर्टर से अपने को ऑब्टेन होगा स्टील। अब स्टील के बाद अपने को चाहिए रोट आयरन। रोट आयरन जो है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। स्टील के बाद अपने को क्या चाहिए? कास्ट आयरन मैं तुमको बता चुका हूँ। कास्ट आयरन में क्या होगा तुम्हारे पास, रफली 2.5 से 4.3, अप्रोक्सीमेटली 3% बोल सकते हो। पिग आयरन में अप्रोक्सीमेटली 5% कार्बन इम्प्योरिटीज है। स्टील में कितनी इम्प्योरिटीज है? स्टील में रफली तुम्हारे पास जो है इतनी इम्प्योरिटीज है। और यहां से अपने को रोट आयरन मिलता है, तो रोट आयरन के लिए क्या कर रहे हैं,
इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन एंड कंबाइंस मिनिमम कंटेंट ऑफ कार्बन, इसमें इतनी कार्बन की इम्प्योरिटीज है। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर तुमको पूछे आयरन का, दैट इज द रोट आयरन। रोट आयरन को ऑब्टेन करने के लिए मतलब अपने को क्या करना है, अपने को कैसे भी करके कार्बन, सिलिकन, एमन एंड फॉस्फोरस की इम्प्योरिटीज को कम करना है। जो भी तुम्हारे पास रोट आयरन जो यहाँ से ऑप्टेंड होगा, स्टील से जो रोट आयरन ऑप्टेंड होगा, उसको अपन करते हैं रिवर बैटरी फर्नेस में। उसमें अपन क्या कर रहे हैं, उसमें अपन हेमेटाइट की लाइनिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो भी तुम्हारे पास Fe2O3 जो लाइनिंग तुमने करके रखा इनसाइड, वो कार्बन की जो भी इम्प्योरिटीज है, Mn की जो भी इम्प्योरिटीज है, सिलिका की जो भी इम्प्योरिटीज है, तो वो क्या करेगा, खुद तो रिड्यूस होगा, कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, Mn को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, सिलिका सिलिका को ऑक्सीडाइज करेगा। और यहाँ से जो ये दोनों ऑब्टेंड हुए हैं MnO और SiO2, MnO तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास दोनों आपस में कंबाइन होके, ये आपस में दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, स्लैग। तो यहां से तुम्हारे पास ऑप्टेंड हो जाएगा Mn SiO3, दैट इज द स्लैग फॉर्मेशन। क्लियर? तो ब्लास्ट फर्नेस से जो मुझे आयरन ऑब्टेंड हो रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ स्पॉन्जी आयरन या फिर पिग आयरन। पिग आयरन स्पॉन्जी आयरन में अभी भी, जो ब्लास्ट फर्नेस से मुझे जो आयरन ऑब्टेंड होगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पॉन्जी आयरन या फिर पिग आयरन। उसमें अभी भी इम्प्योरिटीज हैं किसकी, 4% कार्बन की इम्प्योरिटीज है और सिलिका, एमन और फॉस्फोरस की भी इम्प्योरिटीज है। उसके बाद मैं उसको रीमेल्ट करके कूल डाउन करूंगा तो मुझे कास्ट आयरन मिलेगा, उसमें भी तुम्हारे पास 3% के आसपास कार्बन की इम्प्योरिटीज है। कास्ट आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए वी विल यूज द बेसमर कन्वर्टर, बेसमराइजेशन करते हैं उसका। बेसमराइजेशन में क्या करें, अपन O2 पास कर रहे हैं, सो दैट जो भी तुम्हारे पास सिलिका, Mn और फॉस्फोरस की इम्प्योरिटीज है, वो तुम्हारे पास किस में कन्वर्ट हो जाए, उसके ऑक्साइड्स में। कार्बन जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाए, CO2 में या फिर CO में। और जो CO ऑब्टेंड हो रहा है वो के फर्दर क्या कर ले, उसको रिड्यूस कर ले। यहाँ पर देखो एक चीज़ ये भी देख सकते हो, यहाँ पर ये CO ऑब्टेंड हुआ ना, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख सकते हो, सकता है कि कुछ अमाउंट कुछ अभी भी Fe जो है FeO के फॉर्म में हो, तो ये जो CO ऑब्टेंड हो रहा है ना, ये फर्दर क्या कर देगा, ये उसको Fe में कन्वर्ट कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर CO2 फॉर्म कर लेगा। इस वाले प्रोसेस से क्या हो रहा है, कार्बन का कंटेंट तुम्हारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो भी प्रोसेस से क्या हो रहा है, जो भी तुम्हारे पास सिलिका है, Mn है, फॉस्फोरस है, उसका कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो Fe तुम्हारे पास है, जो रिमेनिंग कार्बन यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है, उसके साथ कंबाइन होके एक सीमेंटाइट करके एक तुम्हारे पास कार्बाइड फॉर्म कर लेता है Fe3C का। उसके बाद स्टील को अगर तुमको फिर से कन्वर्ट करना है रोट आयरन में, तो उसके लिए यू विल यूज द रिवर बैटरी फर्नेस। स्टील को फर्दर रोट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए वी विल यूज द रिवर बैटरी फर्नेस। जो भी तुम्हारे पास Fe2O3 है, वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके इट विल फॉर्म Fe+CO। Mn जो है वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। ये दोनों फर्दर कंबाइन होंगे और दे विल फॉर्म द स्लैग। ये तुमको पता होगा, मैंने एक पुडिंग प्रोसेस बताया था क्या ना, तो एक्चुअल में ये वो है। डन? कुछ डाउट है इसके अंदर? कुछ और भी कॉमन नेम्स हैं जो बहुत जगह पे यूज होते हैं, मतलब पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लुनार कास्टिक, कैलोमल, रोटाइल, कोरोसिव सबलाइट, ये डी ब्लॉक में भी आएंगे इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सब कुछ चीजें। लिथार्ज, ये पी ब्लॉक के हैं, रेड लेड, ये भी पी ब्लॉक, बटर ऑफ टिन पी ब्लॉक,
ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, लिथोपान, नेस्ले रिएजेंट, मोर सॉल्ट, फ्यूजन मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर, इग्निशन मिक्सचर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, वो पता होने चाहिए। तो ये और कुछ कॉमन नेम है वो भी याद कर लेना। एफई की मेटलर्जी में कुछ डाउट है? ओके चलो सॉरी बच्चे, राज दीप उसके अंदर भी अपन क्या कर रहे हैं, पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए अपन उसको रीमेल्ट कर रहे हैं, रीमेल्ट करने के बाद उसको फिर से कूल डाउन कर रहे हैं, तो उसके कारण उसके अंदर कार्बन की इंप्योरिटीज क्या हो रही है, कम हो रही है, बस और कुछ भी नहीं है। वो भी एयर की प्रेजेंस में ही कर रहे हैं, सो दैट जो भी तुम्हारे पास कार्बन कंटेंट है वो एयर के साथ रिएक्शन करके पहले सीओ बना ले और वो सीओ एफईओ को रिड्यूस करके फिर से एफईओ ऑब्टेन कर ले। ठीक है, अब तुम्हारे पास है साइनाइडेशन और द मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ये हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर आता है, इसका यूज होता है एजी एंड एयू के अंदर। एक्सट्रैक्शन ऑफ एजी एंड एयू के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, इसका यूज करने वाले हैं। एजी का जो मेन ओर है वो है Ag2S। इसको मैं बोल रहा हूं अर्जेंटाइट या फिर सिल्वर ग्लांस। एक तो ये नाम ध्यान रखना और एक AgCl हॉर्न सिल्वर भी पता होना चाहिए। मेन और Ag2S ही है। क्रशिंग करो, सीविंग करोगे, Ag2S है, सल्फाइड हो रहा है, क्या करोगे? फ्रोथ फ्लोटेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन? फ्रोथ, ठीक है, क्या करेंगे इसका, फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे। कर दो, उसके बाद बताओ रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। सल्फाइड हो रहे, क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। यस, और रोस्टिंग के साथ साथ लीचिंग भी करेंगे। यस और नो, याद है लीचिंग वाला प्रोसेस? तो यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, उसका लीचिंग कर रहे हैं। लीचिंग में क्या करेंगे, तुम्हारे पास जो भी Ag2S है जहां पर Ag+1 में है तो वो सी एन के साथ कंबाइन होगा और तुम्हारे पास Ag+1 का एक तुम्हारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और S2- बनेगा। यहाँ पर तुम ये वाली जो रिएक्शन है O2 की प्रेजेंस में करवाते, क्यों करवा रहे हैं O2 की प्रेजेंस में, सो दैट ये जो तुम्हारे पास Na2S है ना ये कन्वर्ट हो जाए Na2SO4 में। एक्चुअल में ये वाला रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम पे, तो जैसे तुम O2 ऐड करोगे तो होगा क्या, तुम्हारे पास यहाँ पर Na2S का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा और रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगा तुम्हारे पास, जैसे ही O2 ऐड करोगे तो Na2S क्या करेगा, O2 के साथ कंबाइन होकर उसको Na2SO4 में कन्वर्ट करेगा, उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। यही इसने यहाँ पर रिएक्शन बता के रखा। तो पहले जो भी सल्फाइड था उसको कन्वर्ट किया इसमें, तो पहले जो भी इस एक्चुअल में होता क्या, लीचिंग का प्रोसेस क्या है कि अगर सपोज तुम्हारे पास कोई भी लीचिंग क्या था कि अगर सपोज तुम्हारे पास कोई भी, ये एक्स है और ये वाई है, ये भी वाटर इनसॉल्युबल, और ये भी वाटर इनसॉल्युबल,
तुम एक सब्सटेंस ऐड करो जेड, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, कौन सा, जेड। जैसे ही सब्सटेंस ऐड करोगे तुम्हारे पास बनेगा एक्स ऑफ जेड और वाई, तो ये क्या हो जाता है तुम्हारे पास, ये हो जाएगा वाटर सॉल्यूबल, और ये क्या रहेगा तुम्हारे पास दूसरा वाला, वाटर इनसॉल्यूबल। तो जो भी तुम्हारे पास Ag2S जो था, जो वाटर इनसॉल्यूबल था, जैसे NaCN पास करोगे वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। उसके बाद इसको सेपरेट आउट करो, इसके अंदर जिंक पास कर दो। जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद CN एज कम्पेयर टू Ag, तो जिंक क्या करेगा उसको उसके कॉम्प्लेक्स से रिप्लेस कर देगा और Ag का तुमको PPT ऑब्टेन हो जाएगा। जिंक से भी कर सकते हो, आयरन से भी कर सकते हो। रिफाइनिंग के लिए क्यूपिलेशन कर सकते हो, क्योंकि जो भी पीबी की इम्प्योरिटीज होगी क्यूपिलेशन में, तो जो भी एजी में पीबी एस का इम्प्योरिटीज होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, वो ऑक्सीडाइज होके, सॉरी नॉट पीबी एस, पीबी का जो भी इम्प्योरिटी होगा वो O2 के साथ कंबाइन होके क्या कर लेगा, वो पीबीओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला लास्ट रिएक्शन लास्ट टाइम देखा है, यस, क्यूपिलेशन में। या फिर तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हो, एनोड पे इम्प्योर एजी, कैथोड पे प्योर एजी, इलेक्ट्रोलाइट ये सिल्वर कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और यहाँ से जो प्योर एजी मिलेगा वो रफली इतना 99.6 से 99.9% क्या होगा, प्योर होगा। या फिर तुम कर सकते हो पर्क्स एंड पैटिनसन प्रोसेस, याद है पर्क्स एंड पैटिनसन प्रोसेस जो लास्ट टाइम देखा था, यस। तो ये तुम्हारे पास एजी, एजी का जो मेन स्टेप है वो है लीचिंग। एजी में जो जेम स्टेप है वो क्या है तुम्हारे पास, लीचिंग। डन, ये जो भी तुम्हारे पास AU है इट इज द सेम एज AG, सेम एज AG, सेम प्रोसेस होंगे। इसमें से एक ये चीज ध्यान रखना, नॉट नॉट दिस वन, जनरली AG जो है वो एक नोबल एलिमेंट है, वो किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। AG इज मेनली फाउंड इन द नेटिव स्टेट आइदर एज ए वैन गुड, प्लेसर गुड एंड एल्यूवियल गुड, मतलब नेटिव स्टेट के अंदर है वो, ध्यान रखो बस। बट कभी कभी वो कंबाइन स्टेट में भी रहता है, तो ये वाला जो नेमिंग है वो ध्यान रखो। क्रशिंग करो, सेविंग करो, उसके बाद लीचिंग एंड फिल्ट्रेशन करेंगे। सेम वही रिएक्शन, पहले AU जो है जीरो में है, वो O2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और CN के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास जिंक जो है उस कॉम्प्लेक्स को रिप्लेस करके तुमको इम्प्योर AU मिल जाएगा। यहाँ पर रिफाइनिंग अलग होता है, रिफाइनिंग के लिए क्या कर रहे हैं, जो भी तुम्हारे पास AU है ना उसकी रिएक्शन करो HG के साथ, AU HG के साथ एक अमलगम फॉर्म करता है, तो जो भी इम्प्योर AU में जो प्योर AU प्रेजेंट है, जो भी इम्प्योर AU में जो कुछ इम्प्योरिटीज होगी, इम्प्योरिटीज HG के साथ तुम्हारे पास अमलगम फॉर्म नहीं कर रही है, जो भी इम्प्योरिटीज है वो HG के साथ अमलगेशन फॉर्मेशन नहीं करता है। अमलगम कौन फॉर्म करेगा तुम्हारे पास, सिर्फ AU। जैसे ही अमलगम फॉर्म हुआ उसको तुम सेपरेट आउट करो, सेपरेट आउट करने के बाद उसको हीट कर दो, डिस्टिलेशन कर लो उसका। जैसे ही डिस्टिलेशन करोगे तो HG का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो वो इवोपरेट हो जाएगा, तो किसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और तुमको AU प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर, यस नो, तो ये तुम्हारे पास AG एंड AU भी हो गया।
लेट्स टेक 2 मिनट्स का ब्रेक एंड उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे. कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो. कोई डाउट यहां तक? अब तुम्हारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. आयरन के बहुत सारे ओर्स हैं. एक बॉक्साइट ध्यान रखना जहां पर 2H2O है. अगर H2O है उसको बोलते हैं डाइस्पोर्स. अगर एक H2O है तो उसको बोलते हैं दैट इज द कोरंडम. फेल्डस्पार, कारोलाइट, ये इंपॉर्टेंट और ये भी एक बार कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं. स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, सेवंथ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बॉक्साइट का पहले करते हैं प्योरिफिकेशन. तो उसके तीन प्रोसेस है, हॉल प्रोसेस, ठीक है, बेयर्स प्रोसेस, हॉल प्रोसेस एंड द सरफेक्ट प्रोसेस. तो सबसे पहले बॉक्साइट भी दो फॉर्म में होता है, एक तो होता है रेड बॉक्साइट और एक होता है व्हाइट बॉक्साइट. रेड बॉक्साइट में जो है Fe2O3 की इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है. तो रेड बॉक्साइट में जो Fe2O3 उसकी इम्प्योरिटीज क्या है ज्यादा. Al2O3 बचे बॉक्साइट, अभी अपन सिर्फ बॉक्साइट मेन और यही है फर्स्ट वन. बॉक्साइट में भी दो है, एक है रेड और एक है व्हाइट. अगर कभी भी किसी में भी रेड बॉक्साइट में जो है Fe2O3 जो होता है उसकी इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है और Fe2O3 का जो कलर होता है वो रेड होता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं रेड बॉक्साइट. इसके प्योरिफिकेशन के दो मेथड है, बेयर्स प्रोसेस या फिर तुम्हारे पास हो सकता है हॉल प्रोसेस. बताओ क्या रिएक्शन होगा Al2O3 प्लस NaOH. NaLO2, यस. तो पहले क्या था, Al2O3 तुम्हारे पास जो था इनसॉल्युबल था, तुमने उसको NaOH से क्या कर दिया, लीच कर दिया. तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज कौन कौन सी, Fe2O3 है, SiO2 है, ठीक है, यहाँ पे Fe2O3, SiO2 और सम एक्सटेंट में तुम्हारे पास TiO2 भी प्रेजेंट है, ठीक है. तो ये भी है Fe2O3 है, SiO2 है और TiO2 भी है. जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो Fe2O3, Al2O3 क्या एम्फोटेरिक है, तो वो NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा. और बना लेगा NaAlO2. जो NaAlO2 है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओ या फिर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराओ तो वापिस वो क्या करेगा, Al2O3. मतलब तुमने क्या किया, सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड था, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, NaAlO2 बनाया जो कि सॉल्यूबल है. तो जो भी सॉल्यूबल है उसको अब तुम सेपरेट आउट कर सकते हो.
इसके बाद क्या करेंगे, इसको तुम सेपरेट आउट कर लो। जैसे ही सेपरेट आउट करोगे, अब तुम मुझे बताओ एनएच के साथ क्या, एनएच के साथ Fe2O3 रिएक्ट करेगा? ये बेसिक ऑक्साइड है, क्या ये एनएच के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं। क्या TiO2, ये भी बेसिक ऑक्साइड है, क्या ये एनएच के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं। तो ये क्या करते हैं, Fe2O3 और TiO2 जो भी हैं, ये एनएच के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये एनएच के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। बचा कौन तुम्हारे पास, Al2O3 जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा, और SiO2 है। SiO2 क्या है, SiO2 तुम्हारे पास है एसिडिक ऑक्साइड। SiO2 क्या है तुम्हारे पास, एसिडिक ऑक्साइड है, वो भी क्या करेगा तुम्हारे पास, इसके साथ रिएक्ट करेगा। और जैसे ही रिएक्शन होगा तुम्हारे पास बन जाएगा NaSiO3, Na2 Na2SiO3। इसका मतलब NaOH के रिएक्शंस के बाद हो क्या रहा है सॉल्यूशन में, या तो तुम्हारे पास NaLO2 है और सॉल्यूशन में क्या है Na2SiO3 है। क्या इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो, यस नो? एक तुम्हारे पास है NaLO2 और एक तुम्हारे पास है Na2SiO3, क्या इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकता हूँ, यस नो? या फिर तुम एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करवा लो। जैसे ही तुम एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaLO2 फिर से क्या कर लेगा, Al2O3 फॉर्म कर लेगा, क्योंकि एम्फोटेरिक है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, तो इट वॉन्ट्स रिएक्ट विद CO2। तो क्या तुम फर्दर, ये इसने रिएक्शन किया, जैसे ही रिएक्शन किया इसने AlOH होल था, इसका PPT बना लिया। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। अभी क्या है, ये इनसॉल्यूबल है, ये सॉल्यूबल है, क्या फिर से सेपरेट आउट कर सकता हूँ इसको मैं? यस नो? सेपरेट आउट किया, इसके बाद क्या कर लो, इसका कैल्सिनेशन कर लो। कैल्सिनेशन का मतलब तुम नॉर्मली हीट कर लो इसको। हाइड्रोक्साइड्स का, ऑक्साइड्स का और कार्बोनेट्स का क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। जैसे ही हीट करोगे तुम्हारे पास क्या होगा, एक तो मिलेगा Al2O3, एक ऑप्टेंट होगा H2। इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तीनों इम्प्योरिटीज रिमूव कर दी, Fe2O3 की भी, SiO2 की भी और TiO2 की भी। क्या ये पार्ट सबको क्लियर? फिर इसी तरीके से जो ये प्रोसेस है लीचिंग का, इससे प्योरिफिकेशन कर रहे हैं किसका, बॉक्साइट का। तो यही सेम प्रोसेस तुम यूज कर सकते हो। तुमने क्या किया है, तुमने ऊपर NaOH यूज किया था, तो बेयर्स प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा है, NaOH। और यहाँ पे जो प्रोसेस में, हॉल्स प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है Na2CO3। सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं, वहां पर NaOH कर रहे थे और यहाँ पर Na2CO3 कर रहे हैं, बस। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, एक बार गो थ्रू कर सकते हो, सेम रिएक्शंस हो रही है, कुछ भी नया नहीं है।
डन। फिर तुम्हारे पास है व्हाइट बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट में जो मेजर इंप्योरिटी होगा वो होगा SiO2 का। तो बेयर्स प्रोसेस और हॉल प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस में यूज करते हैं NaOH, हॉल्स प्रोसेस में यूज करते हैं Na2CO3। उसमें जो मेजर इंप्योरिटीज होता है वो होता है Fe2O3 का। व्हाइट बॉक्साइट में जो मेजर इंप्योरिटीज होता है वो होता है SiO2 का। इसको यूज करते हैं, ये भी लीचिंग वाला प्रोसेस ही है। इसको अपन कर रहे हैं सरफेक्स प्रोसेस। तो प्रोसेस के नाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करते हो, Al2O3 का सबसे पहले रिएक्शन करवाते हो तुम कार्बन के साथ और N2 के साथ। तो जैसे ही कार्बन N2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारे पास एक तो मिल जाएगा एल्यूमिनियम AlN प्लस एक तुमको मिल जाएगा CO। जो CO है वो क्या करता है, वो सिलिका के जो मेजर इम्प्योरिटीज है, ये क्या था मेजर इम्प्योरिटीज है यहाँ पर व्हाइट बॉक्साइड में, तो ये इसको तो रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना लेगा। इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है उस टेम्परेचर पे सिलिका भी क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो बचा सिर्फ और सिर्फ कौन, AlN। AlN का वाटर के साथ रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस 3 N3- OH- H+। एक तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा AlOH3 और एक बन जाएगा NH3। AlN को ब्रेक करोगे तो एक तो बनेगा एल्यूमिनियम प्लस 3 N3-, एक बन जाएगा OH- H+। तो एक बन जाएगा AlOH3 प्लस NH3। अब AlOH3 का तुम कैल्सिनेशन कर लो तो जैसे ही करोगे वाटर बाहर निकलेगा और तुमको मिल जाएगा Al2O3। इसको मैं बोल सकता हूँ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम। डन। तो तीन प्रोसेस यूज कर रहे हैं बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन के लिए, रेड बॉक्साइट के लिए हॉल प्रोसेस एंड बेयर्स प्रोसेस, और व्हाइट बॉक्साइट के लिए सरफेक्स प्रोसेस। उसके बाद एल्यूमिनियम का करना है मुझे रिडक्शन। एल्यूमिनियम का तुम कार्बन से रिडक्शन नहीं कर सकते हो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो इसका रिडक्शन करने के लिए अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बट साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में ऐड करने के साथ साथ इसमें अपन कुछ इम्प्योरिटीज भी ऐड कर रहे हैं, Na3AlF6 और CF2 की इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं। क्यों इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, बिकॉज Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव हो चीजें, तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वी आर एडिंग कुछ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज अगर लैटिस में कभी भी इम्प्योरिटी, मतलब Al2O3 का लैटिस है, लैटिस में तुम क्या करो, इम्प्योरिटीज ऐड करोगे, इम्प्योरिटीज ऐड करोगे तो उसका लैटिस क्या होगा, वीकर होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर मैं एक और चीज देखूं तो Na3AlF3 में क्या है, तुमको एल्यूमिनियम के आयंस मिलेंगे, ज्यादा आयंस मिलेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर तुमको एग्जाम में कोई पूछे कि कायरोलाइट एंड फ्लोरेस्पार क्यों ऐड कर रहे हो, कायरोलाइट एंड फ्लोरेस्पार क्यों ऐड कर रहे हो, तुम एक सिंपली चीज ये बोल सकते हो कि वो इसलिए ऐड कर रहे हैं सो दैट उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। सिंपल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड अ हॉल हेरोलाइट प्रोसेस।
तो सबसे पहले क्या होता है, NaAlF6 जो है यहाँ से मुझे एक तो मिल जाएगा NaF, यहाँ से मुझे एक तो मिल जाएगा NaF और एक मिल जाएगा AlF3। AlF3 से मुझे आयंस मिलेंगे, एक तो मिलेगा मुझे एल्यूमिनियम के आयंस और एक मुझे मिलेगा फ्लोरीन के आयंस। एल्यूमिनियम का रिडक्शन होगा कैथोड पे, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। और ये जो फ्लोरीन बना है ये Al2O3 के साथ कंबाइन होके इसको कर देगा रिड्यूस। ठीक है, बोलो, या तो ये भी लिख सकते हो या फिर तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि AlF3+O2 बन जाएगा, यहाँ से O2 रिलीज हो जाएगा। तो मुझे कैथोड पे क्या मिल जाएगा, कैथोड पे मुझे मिल जाएगा एल्यूमिनियम। और यहाँ पर तुम जो एनोड पे अपने को क्या मिल रहा है, एनोड पे मिल रहा है O2, और एनोड जो है वो है ग्रेफाइट का। तो ये O2 जो है वो ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन करके या तो CO बना लेगा या फिर CO2 ऑब्टेन हो जाएगा। डन, देख लो एक बार रिएक्शन सारी। बच्चे अपने को कॉस्ट वॉस्ट भी देखना रहता है, भले उसका SRP सोडियम से, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि सर मैग्नीशियम से कर लो, तो मैग्नीशियम से कम्प्लीटली नहीं कर पाओगे, उतना प्योर तुमको नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। सोडियम से नहीं कर सकते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पर आएंगे, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बेस्ट है सबके लिए। ओके देविका, बट NCERT में ये रिएक्शन लिखा है, जो भी सेम NCERT में Al2O3 का बोल के रखा है कैथोड पे इसका रिएक्शन होगा तो डायरेक्ट एल्यूमिनियम मिलेगा, एनोड पे तुमको ये मिलेगा, और एनोड पे जो O2 रिलीज हो रहा है वो CO2 के साथ रिएक्शन, O2 के साथ रिएक्शन कर, या तो CO2 बनेगा या फिर एनोड बनेगा। बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन का तुमने या तो बेस प्रोसेस यूज किया है या फिर तुमने किया है हॉल प्रोसेस। व्हाइट बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन के लिए तुमने किया है सरफेक्स प्रोसेस, उसके बाद उसका रिडक्शन करने के लिए तुमने प्रोसेस यूज किया है हॉल्ट हेलोट प्रोसेस, उससे जो तुमको कार्बन मिल, जिससे तुम उसके बाद उसके फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए तुम यूज कर रहे हो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या कर रहे हैं अपन, जो यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोले हुप्स प्रोसेस। सारे प्रोसेसेस ध्यान रखना, नाम पूछते हैं वो बहुत बार। यहां से जो तुमको एल्यूमिनियम ऑब्टेंड होगा, यहां से जो एल्यूमिनियम ऑब्टेंड हो रहा था वो कितना परसेंट प्योर था, 99.8% प्योर था। यहां से जो तुमको एल्यूमिनियम मिलेगा वो कितना परसेंट प्योर है, वो है 99.98% प्योर।
ये उसका प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस ये है। इसमें जो बॉटम लेयर है वो इम्प्योर एल्यूमिनियम की है, और ये यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, एनोड। इसमें इम्प्योरिटीज किसकी, कॉपर की और सिलिका की है, और मोल्टन स्टेट में है। एनोड पे क्या होगा तुम्हारे पास, एनोड पे होगा तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन। टॉप लेयर जो है और मिडिल लेयर तुम्हारे पास क्या है, वो करेंगे कैथोड की तरह एक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी तुम्हारे पास एल्यूमिनियम ऑब्टेंड हुआ है एनोड से, तो जो भी एल्यूमिनियम प्लस थ्री का आयन से वो फर्दर इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके तुमको टॉप लेयर पे मिल जाएगा एल्यूमिनियम। तो जैसे ही करंट पास करोगे तुम्हारे पास एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड कैथोड फ्रॉम द मिडिल लेयर। यहाँ से वो मिडिल लेयर में जाएगा, उसके बाद वो अपर लेयर में जाएगा और तुम्हारे पास एल्यूमिनियम का हो जाएगा रिडक्शन, और तुमको प्योर एल्यूमिनियम अपर सरफेस पे ऑब्टेंड हो जाएगा, जिसको तुम सेपरेट आउट कर सकते हो। डन। और तुमको सबसे बॉटम लेयर में क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज ऑब्टेंड हो जाएगा। अब इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। तुमने एक चीज क्या होगा, सरफेक्स प्रोसेस देखो। सरफेक्स प्रोसेस में क्या होगा, सरफेक्स प्रोसेस में यहाँ पर NH3 गैस रिलीज हो रहा है, यस। तो यहाँ पे अमोनिया का भी प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यूजफुल गैस NH3 इज इवॉल्व इन द लीचिंग ऑफ द बॉक्साइट बाय द सरफेक्स प्रोसेस। Al2O3 में कायरोलाइट भी डाल रहे हैं और CF2 भी डाल रहे हैं। वो क्या करेगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा। वो क्या करने वाला, उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा, उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज करेगा, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। जो भी तुम रिडक्शन में, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, जो ग्रेफाइट का जो एनोड ले रहे हो, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ग्रेफाइट एनोड जो है वो कंटिन्यूसली O2 के साथ रिएक्शन करके कोरोड हो रहा, तो उसको तुमको सर्टेन टाइम के बाद चेंज करना पड़ेगा। हर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद तुमको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखना, तुमने जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कोई भी इलेक्ट्रोड यूज नहीं किया है। हूप्स प्रोसेस में जो मोल्टन जो है, मोल्टन एल्यूमिनियम ही कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, और मोल्टन एल्यूमिनियम ही तुम्हारे पास एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। एनोड डेफिनेटली क्या होगा, इम्प्योर। कैथोड डेफिनेटली क्या होगा, प्योर। तो ये मेनली 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्किप करोगे तो भी चलेगा। बेयर्स प्रोसेस हॉल प्रोसेस रेड बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। सरफेक्स प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। हॉल्ट हेलॉट प्रोसेस उसके रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। हूप्स प्रोसेस उसकी रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं। डन।
यस नो चल नेक्स्ट है तुम्हारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम. एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम में क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास केसीएल है, MgCl2 है, डॉट 6H2, दिस इज कॉल्ड द कार्नालाइट. दिस इज द कार्नालाइट. KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 कार्नालाइट. इन दोनों की सॉलिबिलिटी डिफरेंट होती है. तुम क्या करो, इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लो, तो इसका सॉलिबिलिटी डिफरेंस होने के कारण तुम इसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो. इसको इजीली सेपरेट आउट करने के बाद अगर तुम इसको हीट कर दो, अगर इसका नॉर्मल हीटिंग करेंगे तो पता है अपने को मिलता है MgO प्लस HCl प्लस H2O. एस ब्लॉक में पड़ा है ये वाला रिएक्शन. ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है. यस, और वही अगर सपोज तुमने हीटिंग जो किया है वो ड्राई एचसीएल की प्रेजेंस में अगर किया, हीटिंग जो कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, ड्राई एचसीएल की प्रेजेंस में, तो तुमको फिर मिल जाता है MgCl2 प्लस 6H2. यस तो वही प्रोसेस यहां पे लिख के रखा है. एक बार MgCl2 ले लिया, उसका अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर लो. यहां पर अपन फ्यूजन मिक्सचर ऐड कर रहे हैं, सेम रीजन क्यों कर रहे हैं, सो दैट उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, इजिली मेल्ट हो जाए और कॉस्ट कटिंग हो जाए बस. तो MgCl2 का अगर अपन फ्यूज MgCl2 का रिएक्शन करेंगे कैथोड पे, क्या होगा, कैथोड पे Mg का रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा, तुमको Cl2 गैस ऑब्टेन होगा. डन. सबसे पहले MgCl2.6H2 को हीट किया ड्राई एचसीएल की प्रेजेंस में, तो MgCl2 ऑब्टेन होगा. उसके बाद मैंने MgCl2 का तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर दिया, तो कैथोड भी मुझे Mg ऑब्टेन हो जाएगा. जनरली जो भी मैग्नीशियम मिलता है मेरे को, या तो क्लोराइड और सल्फेट सी वाटर जो भी होता है वहां से मुझे ऑप्टेन होता है मैग्नीशियम. जो सी वाटर में मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो सी वाटर कंटेन्स सी वाटर कंटेन्स 0.3% 13% मैग्नीशियम एज क्लोराइड एंड सल्फेट. इसको बोलते हैं डॉ प्रोसेस. सबसे पहले क्या करेंगे, MgCl2 जो है इम्प्योर, उसकी रिएक्शन कराओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सॉल्ट प्लस बेस का रिएक्शन होगा, MgOH होल्ड प्लस का प्रेसिपिटेट मिलेगा, CaCl2 मिलेगा, उसको सेपरेट आउट करो. इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद उसकी HCl के साथ रिएक्शन कराओ, MgCl2 ऑब्टेन हो जाएगा.
उसके बाद कर लो इसका क्रिस्टलाइजेशन, द सॉल्यूशन ऑन द कंसंट्रेशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन गिव द MgCl टू डॉक्सिस H2O मिलेगा। और जैसे ही MgCl2 डॉक्सिस H2O मिला उसके बाद वही सेम प्रोसेस जो अभी अपन ने ऊपर किया, कर लोगे? सेम प्रोसेस जो अभी अपन ऊपर देख के रखा। डन। बोलो क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? ये है तुम्हारे पास डोलोमाइट। डोलोमाइट को हीट करोगे तो जैसे ही डोलोमाइट को हीट करोगे तुम्हारे पास क्या मिलेगा, एक तो तुमको मिलेगा MgO और एक मिलेगा CO, दोनों बेसिक ऑक्साइड है। उसका HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा MgCl2 और एक तुम्हारे पास मिल जाएगा CaCl2। उसका फर्दर CO2 के साथ रिएक्शन कराओ, जैसे ही CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन करके ये बना लेगा PPT, जैसे ही PPT बनाओगे फिर सेपरेट आउट, ये सॉल्युबल है वो इनसॉल्युबल है, इसको सेपरेट कर सकते हो। डन। और एक बार MgCl2 सेपरेट करने के बाद जो तुमने ऊपर प्रोसेस यूज किया है वो सेम, डन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में कुछ भी नहीं करना, तुम एक काम करो तुम NaCl का सॉल्यूशन ले लो, फ्यूज अगर NaCl लोगे, CaCl2 क्यों ऐड कर रहा हूं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर सको एंड उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए बस। NaCl में कौन कौन से आयन है? Na प्लस है और Cl माइनस है, तो कैथोड पे इसका रिएक्शन होगा, कैथोड पे NaCl का रिडक्शन होगा, एनोड पे Cl2 गैस ऑब्टेन हो जाए। सोडियम को तुम कास्टनर कैलनर से भी ऑब्टेन कर सकते हो जो मैं इस ब्लॉक में पढ़ा चुका हूं। डन। लास्ट है तुम्हारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ MN, दिस इज द पायरोलुसाइट। ये अपन बी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहले यही पढ़ने वाले, इसका यूज करेंगे KMn4 के प्रिपरेशन में। बी एंड एफ ब्लॉक जो है उसमें यूज करेंगे, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ KMn4 पायरोलुसाइट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पर MN+4 में है ना,
इसको रिड्यूस करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे Mn3O4. Mn3O4 इट इज द मिक्स ऑक्साइड ऑफ MnO एंड MnO2. यहाँ पर वो +2 में है, यहाँ पर वो +4 में है. तो जो भी यहाँ पर +4 में था ना, इसको तुमने हीट करके O2 रिलीज किया है और उसको कन्वर्ट किया है +2 में. कुछ MnO2 के फॉर्म में ही है और कुछ को तुमने कन्वर्ट कर दिया है MnO में. उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, जो भी Mn3O4 है ना, Mn3O4 में Mn+2 में भी और Mn+3 में भी है, इसको तुम रिड्यूस कर रहे हो एल्यूमिनियम से. Mn और क्रोमियम के लिए एल्यूमिनियम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. तो जैसे ही यूज करेंगे, तुम्हारे पास एक तो क्या मिल जाएगा, एक तो ऑप्टेंड हो जाएगा Al2O3 और एक तुमको मिल जाएगा Mn. डन. मतलब पूरा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने सारे प्रोसेस नहीं बताए. ऑक्साइड है तो ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हो, ऑक्साइड है तो तुम एक काम ये कर लो, कैल्सिनेशन कर लो. उसके बाद वही सेम चीज, मैंने मेन तुमको रिडक्शन वाला पार्ट ही बताया. बोलो क्या ये पार्ट क्लियर है? एक्सट्रैक्शन ऑफ HG, मरकरी. मरकरी का जो मेन ओर है वो है तुम्हारे पास, सॉरी, मरकरी का जो मेन ओर है तुम्हारे पास है वो है सिनाबार, HGS. HGS इज द ओनली इंपॉर्टेंट ओर ऑफ HG. सल्फाइड ओर है, बताओ क्या करोगे? फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक फ्रोथ, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? रोस्टिंग. तो सल्फाइड ओर है तो कंसंट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एंड रोस्टिंग. HGS भी क्या करता है? HGS O2 के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले बनाएगा HGO. HGO बनेगा और साथ ही साथ SO2 गैस बन जाएगा. और ये HGS जो है वो HGO के साथ कंबाइन होके फिर से HG और SO2 बना देगा. ये क्या हो रहा है? सेल्फ रिडक्शन. सेल्फ रिडक्शन किस किस का होता है तुम्हारे पास? एक होता है पीबी का, एक होता है कॉपर का, एक होता है HG का, जो अपने सिलेबस में अपन तीन ही पढ़े. तो पीबी पढ़ लिया, कॉपर पढ़ लिया, HG पढ़ लिया, इन सब का क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन. तो डायरेक्ट तुमको क्या मिल जाएगा, यहां से HG ऑब्टेन हो. HG का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो यहाँ पे तुमको HG के वेपर्स मिलेंगे और जो वेपर्स मिल रहे हैं उसको कंडेंस कर लो. जैसे ही कंडेंस करोगे तुमको लिक्विड मिल जाएगा. यहाँ पे जो मेरे को HG ऑब्टेंड हो रहा है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, जिंक की, SN की और PB की. उसको हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे. तो जैसे ही HG जो है HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, एक तो ऑब्टेंड होगा ये HG2NO3 होल ट्वाइस. उसके बाद क्या करो, जिंक पास कर लो. तो जिंक HG को रिप्लेस कर देगा और तुमको प्योर HG ऑब्टेन हो जाएगा. पहले HG HNO3 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट बनाया, फिर जिंक जो था उसने फिर से उसको रिप्लेस करके HG ऑब्टेन करवा दिया.
सिमिलर रिएक्शन पीबी और एसएन के लिए भी होगी। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कर चुके हैं। डन। यार यही है मतलब एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट तो यही है, तो यही डीएनए कर लेंगे, बट आज नहीं कर पाएंगे मोस्टली। नेक्स्ट वीक जो भी लेक्चर होगा उसमें वील सी द डीएनए ब्लॉक। तो मेटलर्जी में कुछ भी डाउट्स है तो बताओ यार, मतलब नया अभी 10-15 मिनट है तो नया नहीं स्टार्ट कर रहे, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट। कुछ डाउट है तो बता। हाँ मतलब लेक्चर नया चैप्टर अभी स्टार्ट करने को कोई मतलब नहीं, 10-15 मिनट बचे हैं तो नया नहीं स्टार्ट कर, चैप्टर खत्म। यस ओके बाय। बच्चे सल्फाइड हो रहे तो सल्फाइड ओर्स के लिए तुम फ्रोथ रोटेशन तो कर ही सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तेरे को एक ही प्रोसेस करना है। बहुत बार मैंने ऐसा भी तो किया ऑक्साइड्स के लिए, जो Fe2O3 था ऑक्साइड के लिए मैंने ग्रेविटी सेपरेशन भी किया है, उसके बाद मैंने उसका मैग्नेटिक सेपरेशन भी किया, तो दोनों प्रोसेस कर सकता है, एक से ज्यादा प्रोसेस भी कर सकता है कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि तेरे पास फ्रोथ रोटेशन से अलग इम्प्योरिटीज रिमूव होगी और लीचिंग से अलग इम्प्योरिटीज रिमूव होगी। ओके देन चलो बाय।